अजीब लगता है जब अच्छी फिल्मों के दौर में कोई ऐसे फिल्म का ट्रेलर दस्तक दे दे जिसका आपकी ज़िंदगी पर इंच भर भी फर्क नहीं पड़ता। करण जौहर अब वो मशीन बन चुके हैं जो बॉलीवुड स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर देखकर हमें ठीक वैसा ही लगता है। 3 मिनट और 6 सेकंड के ट्रेलर में हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता जिसके लिए हम आपसे कहें कि इस फिल्म को ज़रूर देखना। एक ऐसा स्कूल जो शायद ही दुनिया के किसी कोने में बना होगा, इतना आलिशान स्कूल और उसमें इतना ग्लैमर देखकर हर किसी को इसमें पढ़ने की इच्छा जरूर उठ सकती है। फिल्म की थीम पुरानी है, एक कॉलेज कॉम्पिटिशन है जिसे जीतना सबकी ख्वाहिश है। इस फिल्म के हीरो टाइगर श्रॉफ अब सिर्फ एक्शन हीरो ही बनकर रह गए हैं। उनका काम हवा में उछलकर गुंडों को मारना भर ही रह गया है। वो देखने में अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे ही उनके मुंह से डायलॉग निकलता है वहीं उनकी अहमियत घटकर रत्ती भर रह जाती है। दिन तेरा था साल मेरा होगा, ये फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग लगता है, इसलिए ट्रेलर में 2 बार बता दिया गया। ट्रेलर में टाइगर 30 सेकंड तक सिर्फ उछल कूद मचाते हैं, बाकी हिस्से में आपको हीरोइंस का ग्लैमर देखने को मिलेगा। फिल्म में 2 एक्ट्रेस अनन्या पांडे जो चंकी पांडे की बेटी हैं और तारा सुतारा हैं। ट्रेलर में एक आध डायलॉग उनका भी है जो उनकी ठंडी एक्टिंग की तरफ इशारा कर रहा है। फिल्म में लव ट्राइंगल जैसी चीज़ भी मालूम पड़ती है। जब खराब कहानी के चलते बॉलीवुड के तीनों खानों की फिल्में पिट चुकी हों, ऐसे में करण जौहर का ये रिस्क बताता है कि उन्हें फिल्म के फ्लॉप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम सिर्फ स्टार्स के बच्चों को लॉन्च करना है। फिलहाल ये फिल्म 10 मई को रिलीज हो रही है। अगर आप कहानी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ग्लैमर और एक्शन देखने के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए पैसा वसूल होगी। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर हमें कमेंट में बताइए। टेलीविज़न और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।